पतंग का निशान है, साबिर चौक साहा है, मजलिस के उम्मीदवार है। आप तमाम लोगों से अस्सलाम वालेकुम। और मुल्क की तरक्की में भागीदारी निभाइए, क्योंकि मजलिस है जो आपकी बस्तियों की तरक्की कर सकती है, आपकी बस्तियों में खुशहाली ला सकती है। तो मजलिस से आकर आप लोगों से यही बहुत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाए, पतंग को वोट देकर साबित करिए, खुशहाली के लिए मजलिस को कामयाब करिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों काम मजबूत करिए। आप तमाम लोगों से आप तमाम लोगों से यही अपील करने आया हूँ, आप तमाम लोग साबिर चौक साहब को कामयाब करिए। दिल्ली से आकर आप लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग अपने घरों से 6 तारीख को निकले, मेरे भाई मेरे बड़े मेरे माँ और बहने तमाम से अस्सलाम वालेकुम, वतन को वोट करिए। गुजारिश है वतन को वोट करिए, साबिर चौक साहब को कामयाब करिए, काला वतन को वोट कीजिए। मैं आप तमाम लोगों से यही बहुत रवाना गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम लोग 6 तारीख को घरों से निकलिए, ये आपके वकार की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। आपको मालूम है मुल्क के बारे में और मुल्क के हालात, इस बार आप लोग आप तमाम लोगों से मुहतबाना गुजारिश कि पतंग को वोट करिए। मैं दिल्ली से आकर आपके बीच में सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए, क्या नाम पतंग वोट करिए। आप तमाम लोगों से मुहतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग पतंग को वोट करिए। तमाम लोगों से मैं अपील करने आया हूँ दिल्ली से, आप लोग अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बता दी कि मैं आवाम के